अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि चीपेस्ट प्रोटीन सोर्सेज जो कि आप कंज्यूम कर सकते हैं टू बिल्ड मसल मास, क्योंकि देयर आर सो मेनी प्रोटीन सोर्सेज, लेकिन ये कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। बॉडी बिल्डिंग इज एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट। सो आपके अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इतना ईजी नहीं होगा कि यू कैन अफोर्ड यू नो 5-6,000 और 10,000 वर्थ ऑफ प्रोटीन एवरी मंथ। सो इन दिस वीडियो आई विल शो यू कि क्या क्या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि चीपेस्ट सोर्स हैं, यू कैन कंज्यूम देम एंड फुलफिल योर प्रोटीन इनटेक। सो हर बंदे की जो प्रोटीन की इनटेक है वो इतनी होनी चाहिए कि लेट्स से कि आपका वेट इज लाइक 50 kg, आप उसको पाउंड्स में कन्वर्ट कर लें, सो दैट मेक्स अप अराउंड 100 pounds। आपने 100 pounds के अगेंस्ट 1 gram ऑफ प्रोटीन देनी है, तो 100 pounds मीन्स 100 grams ऑफ प्रोटीन यू शुड कंज्यूम। अगर आप मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि अगर आप 80-100 भी अगर 70-80 भी लेते हैं तो वो भी इनफ होगी, यू नो दैट वुड गिव यू डिसेंट गेंस। सबसे पहले आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप जो है ना बीन्स हम नॉर्मली हम लोग उसको इतना यू नो इतनी प्रेफरेंस नहीं देते और हमें लगता है कि बीन्स इतनी ज़्यादा इतनी भी उसमें नहीं होगी, मतलब मेरी भी शुरू में यही एक प्रिजम्पशन थी। लेकिन ये कि जो ये रेड बीन्स होती हैं अगर आप उसका एक बाउल लें तो आपको अराउंड 40-50 grams ऑफ प्रोटीन वो दे देंगे, सो दैट इज़ फिनोमिनल। आपको वही चीज़ 40-50 आपको एक चिकन के ब्रेस्ट पीस में मिलती है, तो यू नो यू कैन ईजिली कंज्यूम वन बाउल। आप एक बाउल लें या एक कप ले लें, उसके अंदर बीन्स डालें, उनको बेशक बॉयल करके खा लें, यू नो विद स्पून या रोटी के साथ खाना है रोटी के साथ खा लें, और दैट इज़ अ फिनोमिनल सोर्स ऑफ प्रोटीन। सेकेंड ऑप्शन दैट यू हैव इज एग्स। डिसेंट साइज ऑफ एग गिव्स यू अराउंड 5-6 grams ऑफ प्रोटीन। अच्छा बड़े साइज का अंडा हो तो यू नो 5-6 दे देते हैं आपको। ये मैं रिसर्च आई थी कि उसकी एग जो ना खाओ उसमें कोलेस्ट्रॉल हो जाए वो, इट्स ऑल बीएस, यू नो यू शुड जस्ट कंज्यूम देम, उसके अंदर हेल्दी यू नो कोलेस्ट्रॉल होता है। अब पहले अंग्रेज एक रिसर्च करते हैं, फिर उसके बाद फॉरन कुछ अर्से बाद एक नई रिसर्च आती है कि जी वो चीज़ गलत थी। सो जस्ट कंज्यूम दैट, खाएँ आप खुल के, ठीक है। उसके अंदर 5-6 एग्स आप इजिली डेली खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 5-6 grams ऑफ प्रोटीन भी उसमें एक में होती है, आप ये भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव इज पीनट बटर। पीनट बटर आप किसी भी जनरल स्टोर पे चले जाएं, वहाँ पे उससे जाकर कहें कि पीनट बटर की मुझे बॉटल दे दो, बॉटल होगी पीनट बटर की, और यू विल बी अमेज्ड कि उसमें कितनी प्रोटीन होती है। तो आप उसको मार्जरीन पे लगा के खा सकते हैं, किसी भी ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं। तो अगर आप अराउंड 250 grams ऑफ पीनट बटर लेते हैं जो कि एक कप में अंदाजन आ जाएगा, तो 60-70 grams प्रोटीन वो भी आपको दे देता है। उसमें फैट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सो अगर जो ब्रदर्स हैं जो एंडोमॉर्फिक बॉडी टाइप्स हैं जिनकी उनको अगर फैट से इशू है, यू नो इफ़ यू गेन फैट फास्ट, तो आप वो ना खाएं। लेकिन ये कि जो हमारी मेरी तरह की बॉडी टाइप है जिनकी जो कि जितना मर्जी फैट खा लें कुछ नहीं होता, लेकिन आप लोग देखते हैं वीडियोस में यू नो ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट में तो तो उनके निहारी हैं और सुबह पराठे सराठे हर चीज़ खा रहा था, उनका शुक्र है। सो वो फिर ना खाएं, लेकिन ये कि बाकी इफ़ यू फील दैट एक्ट्रोमॉर्फिक बॉडी यू कैन कॉपरेट पीनट बटर एंड दैट। फिर आप ट्यूना फिश खा सकते हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं हाउ मच प्रोटीन इज देयर इन ट्यूना फिश। लेकिन फिशेस का सिर्फ इशू ये है कि मैं आपको रिकमेंड फिश कोई भी नहीं करूँगा, क्योंकि आजकल फिशेस के अंदर अच्छी खासी मरकरी आ रही है, यू नो रिसर्चेस हैव शोन दैट। मेरी अपनी मदर को बेसिकली फिश से बहुत ही हाई प्रोफाइल एलर्जी हुई हुई है, और उन्होंने फिश खा ली थी एक दफ़ा, और ये पैन गैसेस फिश मार्केट में इतनी सस्ती मिल रही है, आप जिस भी जनरल स्टोर पर जाएँ वहाँ पर वो बोनलेस मिल रही है पैन गैसेस फिश के नाम से, उसमें बहुत मरकरी है, बेहद मरकरी है। तो फिशेस का सिर्फ ये इशू है, सी फूड का सिर्फ ये इशू है, जो कि रिवर फ्लोन फिशेज है ना, आप वो कोशिश करें वो अगर ले सकते हैं तो वो मिल जाए, दैट इज़ गुड। देन यू कैन सिंपली सर्च दैट नेम ऑन गूगल, अपनी रिसर्च खुद किया करें, क्योंकि यू नो डोंट रिलाई ऑन एनीबडी। जो मैं आपको अगर फिगर्स बता रहा हूँ सो आप खुद गूगल पर जाकर उनको कन्फर्म करें, देन मेक आउट योर ओन डाइट प्लान। देखें अच्छा यार मेरी रिक्वायरमेंट इतनी है वेट के हिसाब से प्रोटीन की इनटेक की, ठीक है ठीक है यार ये चीज़ें मुझे 5 चीज़ें पसंद हैं, अच्छा ये हर चीज़ इतनी इतनी प्रोटीन मुझे देती है मेरी रोज़ की डाइट बन गई। तो सिंपली हर गूगल पर जाके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देख के तो उसके हिसाब से खुद अपना डाइट प्लान बनाएं। सो मैनी ब्रदर्स आस्क्ड मी कि हमारे डाइट प्लान आप बनाएं इंस्टाग्राम के ऊपर, बट करंटली यू नो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, भाई के लिए अलग से सेपरेटली बनाऊँ, बट इन द फ्यूचर इंशाल्लाह अगर मैं इसको एज अ सर्विस प्रॉपरली प्रोफेशनली स्टार्ट करना चाहूँगा तो आई लुक इन टू दैट, बट फिलहाल डिफिकल्ट है काफ़ी। फिर आपका दूसरा ऑप्शन है कि आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। वे प्रोटीन में ये है कि यू नो वे बेसिकली बनती है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बटर फॉर्मेशन, जब बटर वो फैक्ट्री में बनाते हैं उसका बाय प्रोडक्ट वे के फॉर्म में निकलता है, ये डेयरी प्रोडक्ट से निकलती है बेसिकली, जो कि ये जितने प्रोटीन पाउडर आते हैं ये वे प्रोटीन्स के जनरली होते हैं। तो आप एक उसका बॉक्स ले सकते हैं 7-8 LB का, जो 7-8,000 के अराउंड आपको मिल जाएगा। तो वो इन फर्स्ट इंस्टेंस आपको लगता है यार 7,000 में खर्च रहा हूँ, इट्स टू एक्सपेंसिव, या 8,000, बट अगर आप उसको हर मंथ के हिसाब से देखें उसकी सर्विंग के हिसाब से देखें वो भी इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता।
लेकिन ये कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा ये होगी कि मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप यू नो बीफ लें, यू नो जस्ट कंज्यूम एग्स और पीनट बटर की आप ले सकते हैं अगर फैट का इशू नहीं है. बट लाइक मैंने हमेशा से जो जनरली जो तीन हाइस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन मिली थी वो थी फिश. जब से मुझे पता लगा कि उसमें मर्करी आ रहा है मैंने फिश छोड़ दी. देन आई यूज टू टेक स्टेक, चिकन का स्टेक लेके ब्रेस्ट पीस लेके वो मैं खाता था. और अब आपने अपना खुद अपना वो एक प्लान बनाना है, फाइनेंशियल प्लान के आप अफोर्ड कर सकते हैं उसके हिसाब से इनमें से जो बेस्ट आपको सूट करता है आप चूज़ करें. देन यू कैन टेक यू नो बीफ मटन एंड ऑल ऑफ दोस, लेकिन वो एक्सपेंसिव साइड पर. आई होप दैट वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइस और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. आपके कोई भी क्वेश्चन है यू नो यू कैन सेंड मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, फिटनेस से रिलेटेड कोई भी आपके इंशाल्लाह. और आई एम टू एक्साइटेड एंड आई एम यू नो ऑन द पार्ट टाइम आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जिसको मैं हैशटैग प्रोजेक्ट आई भी कह रहा हूँ. और आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू गाइस. मैं इतने मंथ से आई हैव बीन वर्किंग ऑन दैट आइडिया था यू नो देन आई हैड एन इंस्पायरेशन आइडिया. अब उसको लाइक इम्प्लीमेंटेशन फेज में वो आ गया और इंशाल्लाह वेरी सून आई विल शेयर विद यू गाइस दैट ऑसम प्रोजेक्ट जो आप सबके लिए भी है यू नो माई एफर्ट्स ऑन दैट. सो इंशाल्लाह कीप एन आई ऑन दैट गाइस. आप अपना ख्याल करें प्रोटीन का और अपनी डाइट का ख्याल करें. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. रहमते रिजा भर करता है तू बरकतों से दामन भरता है तू.